packing shop as the Dwamita Baya. हैकर शब्द सबसे पहले किस संस्थान से अस्तित्व में आया था? MIT यानी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। पहला लोकप्रिय हैकर सम्मेलन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? 1993। प्रथम हैकर सम्मेलन का क्या नाम था? DEFCON। पहली व्यवहारिक तकनीकी हैकिंग किस वर्ष अस्तित्व में आई थी? 1878। फ्री कॉल करने के लिए हैकर्स द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सबसे पुरानी फोन हैकिंग तकनीक क्या है? फेकिंग। किस वर्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हैकिंग एक व्यवहारिक अपराध बन गया? 1970। वर्ष 1971 में प्रमुख हैकिंग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? जॉन ड्रेपर, वियतनाम से। उस हैकर का नाम बताइए जिसने 1983 में ARPANET सिस्टम का पेंटागन नेटवर्क तोड़ा था। केविन पॉलसन। इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटर वॉर्म विकृत करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? रॉबर्ट टी मॉरिस। साइबर स्पेस शब्द पहले बार कौन इस्तेमाल में लाया? विलियम जिप्सन। वह कौन से कुटिल हैकर्स हैं जिनका मुख्य मकसद साइबर अपराध करके आर्थिक लाभ हासिल करना है? ब्लैक हैट हैकर्स। व्हाइट और ब्लैक हैट हैकर्स के संयोजन को क्या कहा जाता है? ग्रे हैट हैकर्स। आपराधिक दिमाग वाले व्यक्ति कौन है जो आतंकवादी संगठनों के लिए काम करते हैं और राष्ट्रों की जानकारी और अन्य गुप्त खुफिया जानकारी चुराते हैं? साइबर आतंकवादी। हैकर समुदाय में सबसे कुशल हैकर्स के रूप में कौन जाना जाता है? इलाइट हैकर्स। सरकार ने कुछ बेहद कुशल हैकर्स को काम पे रखा है। इस टाइप के हैकर को क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय या राज्य प्रायोजित हैकर्स। एक दूरस्थ कंप्यूटर पर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है यह निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली एथिकल हैकिंग तकनीक का क्या नाम है? OS फिंगरप्रिंटिंग। एथिकल हैकिंग में फिंगरप्रिंटिंग कितने प्रकार की होती है? 2। OS फिंगरप्रिंटिंग के लिए कौन सा सामान्य टूल इस्तेमाल किया जाता है? Nmap। पिंग स्वीप का दूसरा नाम क्या है? ICMP Suite। आपकी ब्राउजिंग गतिविधियों को ट्रैक करने के लिए सोशल मीडिया वेबसाइटों को ब्लॉक करने का एक लोकप्रिय टूल कौन सा है? ब्लर। किस प्रकार के हमले में हमलावर एक सक्रिय सत्र पाता है और उसको अपने काबू में ले लेता है? एक्टिव सेशन हाईजैकिंग।